हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, उसी का हम चैप्टर आज 1.4 शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर 1.4 भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सवाल उसमें बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, पर वो बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत ही आसानी से। बस गणित के एक दो नियम होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले बात जो हम पढ़ चुके हैं, देखो इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए कि 1.4 कह क्या रहा है, करना क्या है। देखिए गाइस, 1.4 में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दो ही दे रखा है। अब परिमेय और अपरिमेय होता क्या है ये आपको पता है, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। परिमेय परिमेय, ठीक है। देखो मेरी राइटिंग बहुत खराब है, अगर आपकी भी खराब है तो अभी सुधार दो, वरना ये कभी नहीं सुधरने वाली मेरी। मैंने बचपन में गलतियाँ की, अभी तक नहीं सुधरी मेरी। तो परिमेय संख्या, परिमेय क्या होता है? परिमेय हम कहते हैं कि भाई पी बटे क्यू में लिखते हैं, और जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। पर ये इनफ नहीं है, इसमें कुछ और पॉइंट है जो परिमेय संख्या की परिभाषा में आते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि भाई वो हिंदी में, प्योर हिंदी में उसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। क्या भाई वो शांत होगा? क्या कि जब क्यू को पी में भाग देंगे, पी में क्यू का भाग देंगे, तो या तो पूरा जाएगा या फिर वो दशमलव के बाद में कुछ संख्या तक जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं शांत, या फिर इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर अशांत, अशांत आवर्त, या फिर आवर्ती। क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, क्या है? आवर्ती लिखा हुआ है, ठीक है ना? प्रश्न में लिखा हुआ है अशांत आवर्ती, हमें हमारा पहला प्रश्न यही है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है आपको पता ही होगा। मैं भाई 1.3 किया था, मैंने बताया था कि जब हम भाग देते हैं क्यू का पी में, तो या तो पूरा जाएगा या फिर दशमलव के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं शांत का, शांत का हम ले लेते हैं भाई के 10/2, पूरा का पूरा भाग गया 5 बार, या फिर ले लेते हैं 25/4, तो कितनी बार जाएगा? देते हैं भाग 25 में जाएगा 4×6=24, 6 बार तो गया, उसके बाद में बचा एक, तो फिर एक में गया तो 2 बार, फिर 5 बार, मतलब 6.25। मतलब दशमलव के बाद में 2 संख्या आई, अगर पूरा नहीं जाता तो दशमलव के बाद में 4-5 संख्या आती, फिर खत्म हो जाता, मतलब लास्ट में वो टर्मिनेट होता, तो उसको बोलते हैं शांत। तो जब हम भाग देते हैं तो वो पूरा का पूरा जाता है दशमलव के बाद या पहले, तो उसको शांत बोलते हैं। तो वो एक परिमेय संख्या होगी। अगर वो चलती जाए, जैसे 10/3 भाग दे दो, 3.33333 चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, पर रिपीटिंग, तीन 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 रिपीट हो रहा है। कभी संख्या ऐसी भी हो सकती है कि 5.123123123123123, तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना? तो ये भी क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, बट रिपीटिंग, तो रिपीट हो रहा है। तो ये दो संख्या होती है, ये दो नियम होते हैं जिन संख्याओं में, पी अपॉन क्यू में, वो एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये दोनों नियम नहीं होंगे तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना? अब ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, अपरिमेय संख्या भी आपको बता दी है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है हम वो पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। पहला प्रश्न बोलता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, जो हम तीसरी चौथी क्लास में जो विभाजन करने की विधि हमारी थी, कौन सी? कि 25 में 4 का भाग दे दिया, 4×6=24, 24 बचा एक, उतारा दशमलव 0, 4×2=8, बचा 2, उतारा दशमलव, ये 0 उतरा, ये 5×20, तो ये जो 6.25 आए, ये ऐसे जो भाग किया, ऐसे नहीं करना है। ये है लंबी विभाजन प्रक्रिया, और हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से करना है। तो और कौन सी विधि है जिससे हमें भाग देना है, देख लेते हैं। और करना क्या है बताइए, कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार
शांत है या अशांत। हमें पता है कि परिमेय संख्या के दो ही नियम होते हैं, या तो वो शांत होगी या फिर वो अशांत होगी, लेकिन आवर्ती होगी, टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये दो चीजें हमें याद करनी है। टोटल 10 प्रश्न दे रखे हैं, तो हम फटाफट चलते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 13/3125। अब देखिए 13/3125 दे रखा प्रश्न में। अब क्या करना है हमें, हमें बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। कैसे पता चलेगा, हमें तो भाग देने से मना किया भाई, हमें भाग नहीं देना है, लेकिन हमें पता करना है कि इसका मान 10 के बाद खत्म होगा या फिर चलता जाएगा, रिपीट भी होगा या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है नहीं, सारी परिमेय संख्या ही है, पर शांत है या अशांत आवर्ती है ये बताना है। तो देखो एक छोटा सा नियम है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। एक नियम मैं आपको बताता हूँ, वो नियम क्या है कि कभी भी हर में, ये देखिए ये पी है बटा क्यू है, तो ये क्यू क्या है, क्यू जीरो नहीं होगा, इसको हम हर बोलते हैं, हर कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि हर में, यदि हर में मतलब क्यू का मान यदि 2 या 5 आ गया, या तो 2 या 5, या फिर हम इसकी पावर भी ले ले कि कोई इसकी घाते घाते मान लेते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसके रूप में हुआ, या फिर दोनों हर हो गए, q का मान 2 और 5 भी हो गया, मतलब 2 × 5 भी हो गया, इसकी पावर m और इसकी पावर n, ठीक है, ऐसे आ गए, q का मान ऐसा कुछ आता है तो वो शांत होगा। क्यों होगा, देखो मैं बताता हूं, 2 और 5 ऐसी संख्या है कि जिसका किसी भी संख्या में भाग देंगे ना, तो वो एक टाइम पीरियड के बाद वो पूरी की पूरी तरह भाग खत्म हो जाएगा। एग्जांपल लेता हूँ, एक बहुत बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे कि 10221, ठीक है, 10,000 बहुत बड़ी तो नहीं है, पर 10221 ले लिया। अब मैं अगर 2 का भाग दूंगा ना, तो इसका भाग पूरी की पूरी तरह जाएगा, ठीक है ना, और 0.5 आ जाएगा, मतलब भाग गया 0.5 आ जाएगा। देखना मैं भाग दे देता हूँ, 10 का भाग इसमें दिया 5 बार, ठीक है, एक बार 0.5 लगभग इतना ही कुछ जाएगा। फटाफट में किया, शायद गलत हो सकता है, वैसे सही है, इसका डबल कर दो ना, 5 × 10 हासिल का 1, वो तो 0 हो गया, फिर 1, 2, 2, 0, 1 हो गया। तो ये देखो 0 के बाद में 0.5 आया, भाग खत्म, ठीक है। एक और संख्या लेता हूँ, एक संख्या मैं लेता हूँ जिसमें 5 का भाग दे देता हूँ, इसमें मैं 5 का भाग दे देता हूँ, ठीक है, 5 का भाग दे दूँ, 5 × 5 = 10, बचा 1, नहीं गया, लगाया 0, 12 में गया, 5 × 10, बचा 2, 24, 5 × 20, बचा 4, लगाया 3, 43, 8 × 5 = 40, बचा 3, पॉइंट लगाया 30 हो गया, 5 × 6 = 30। तो 0 के बाद सीधा खत्म हो गया भाग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 और 2, ये 2 ऐसी संख्या हैं जो अगर हर में होगी, और उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, हर में या तो 2 होगा या 5 होगा या 2, 5 दोनों एक साथ हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर कोई संख्या होगी तो बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो शांत होगी, अशांत हो सकती है, क्योंकि 2 और 5 होगा तो वो डेफिनेटली पॉइंट के बाद वो संख्या बाद में खत्म होगी और शांत हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो समझ में आ गया, ये छोटा सा नियम है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी नियम से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं। आपको ये बात समझ में आ गई ना कि 2 की घात 5, मैं लिख लेता हूँ एक बार लाल पेन से, हर में, ठीक है ना, क्यू का मान 2 की पावर m, 5 की पावर n, 2 × 5, 2 की पावर m, 5 की पावर n, इसके रूप में होगा। अगर हर ऐसा होगा तो आपका आंसर निकल जाएगा, दिख रहा है ना, ऊपर से ज्यादा ऊपर तो नहीं गया मैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आपका जो प्रश्न है, जो संख्या है, वो शांत होगी। अब देखते हैं ऐसा है कि नहीं है, तो भाग नहीं देना है आपको, सिर्फ गुणनखंड करना भाई। अब 13 और 13 का तो गुणनखंड होगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या है,
आपको 3125 का गुणनखंड करना है, तो प्रश्न में करना है आपको, ठीक है ना, ये को रफ में नहीं करना है, ये प्रश्न में ही करना है। 31 25 तीन का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 हुए तो 3 का भाग नहीं जाएगा, सीधा 5 का जाएगा। 5 का भाग गया तो 5 36 625, ठीक है, क्योंकि 5 36 बचा 1 12, 5 दूनी 10 बचा 2 25। अब और 5 का भाग जाएगा तो ये जाएगा 125 बार ही जाता है, हाँ 5 एकम 5 बचा 2 10 25। अब फिर से 5 का भाग जाएगा तो 25 पौन 125 होता है, 25 बार जाएगा, फिर से 5 का भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर से 5 का भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये गुणनखंड करिए आप, कितने आए गुणनखंड आया 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, × 1 लिखो तो भी ठीक, वरना कोई बात नहीं। तो ये 3125, 3125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ऊपर जो 13 था उसको मैं 13 लिख सकता हूं। क्या कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। अब एक बात ध्यान दो, ये 5 5 5 5 किसके रूप में है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 13 × 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? सही है ना, सही है। पर ये जो रूप आया ये किस रूप में है, ये इसके रूप में है, ध्यान से देखिए कि अगर हर में 2 की घात n या फिर हर में 2 5 की घात n या फिर हर में 2 × 5 पावर में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 2 और 5 होगा अगर हर में, 2 और 5 घाते कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तो वो संख्या टर्मिनेट होगी और शांत होगी, मतलब शांत कहेंगे उसको कि ये संख्या शांत है। तो इसको क्या करना है, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी लास्ट में, क्या, अतः इसको ऐसे लिख दो, 13 बटा 31 25 में हर में 5 की पावर n, हर में नहीं, हर 5 की पावर n के रूप में है, अतः संख्या, राइटिंग खराब है भाई, देख लेना, जो बोल रहे हो वो सुन लेना, संख्या शांत होगी, बस ये लाइन लिखनी है और कुछ नहीं है। कुल मिला के आपको ये बताना है कि भाई जो हर है उसमें 5 की पावर n के रूप में है, जो हर है वो 5 की पावर n के रूप में है, अतः संख्या शांत होगी, ठीक है ना, बस ये एक लाइन लिखनी है। तो प्रश्न समझ में आ गया, अब सारे प्रश्न फटाफट ऐसे ही कर लेते हैं। 17 बटा 8, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो 17 क्या है, ऊपर वाला हर अंश, अंश 17 है जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होगे, ठीक है, तो अभी 17 को तो ऐसे कैसे रखें, अब हम हर में चलते हैं, हर में क्या है 8, तो 8 के गुणनखंड कर दो भाई, 8 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 2 2 1, तो 8 के गुणनखंड क्या है, 8 के गुणनखंड आए 2 × 2 × 2 × 1, और 17 के गुणनखंड क्या हो गए, 17 × 1, क्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब देखो अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ हर की तरफ देखिए, हर की तरफ देखिए, हर में क्या है, हर में 2 × 2 × 2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 17 बटा 2 की पावर 3, बात तो वही है ना, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, और जिसको हम 8 भी बोलते हैं, 8। तो अब देखिए 17 बटा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया, ये तो 3 एक संख्या है, लेकिन m यहाँ पर एक चर है, वेरिएबल है, तो m का मान ही 3 आया है इधर, और प्रश्न, और हम जानते हैं कि अगर q का मान 2 की पावर n के रूप में होगा तो शांत होगी, 5 की पावर n के रूप में होगा तो शांत होगी, मतलब टर्मिनेट होगी, या फिर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में होगा तो भी वो शांत होगी, टर्मिनेट होगी, ठीक है, नॉन टर्मिनेट नहीं होगी। तो अभी क्या करना है, हमें बताना है कि भाई देखो आ गया, तो हमें लिखना है चूंकि 7 बटा 8, 17 बटा 8 में हर 2 की पावर m के रूप में है, अतः संख्या 17 बटा 8 एक शांत संख्या
है, बस इतना लिखना और कुछ नहीं, लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है भाई। समझ में आ गया? तीसरा प्रश्न करते हैं, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है 64 अपॉन 455। ठीक है, आप देखो भाई 64 एक अभाज्य संख्या नहीं है भाई, ठीक है ना, ये इसमें दो का भी जाता है, शायद चार का भी जाता है, ठीक है ना, तो सबका भाग जाता है। तो एक बार इसको क्या करते हैं, 8 8 64, 8 का भाग भी जाता है, तो दो का तो बहुत बार जाएगा इसका मतलब। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर 64 के भी गुणनखंड करने पड़ेंगे और 455 के भी आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले मैं 64 का कर लेता हूँ, 64 के गुणनखंड कर लीजिए भाई, दो बार 32, दो बार 16, दो बार 8, दो बार 4, दो बार 2, दो बार 1। तो अभी देखिए क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आया भाई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 6, ये तो हो गया ये। अब ये बचा 455, इसका भी एक बार कर लेते हैं, 455, ये कॉपी में करना है, ये रफ में मत करना, कॉपी में करना है, दिखाना पड़ेगा आपको कि गुणनखंड क्या है। तो इसका क्या आया, अपन ने 5 का जाएगा सीधा, 5 और 5 10 और 4 14, 3 का नहीं जाएगा, सिर्फ 5 का जाएगा, तो हम 5 का दे देते हैं, तो 5 9 45, 5 1 5, ठीक है, 3 का जाएगा नहीं, 7 का जा सकता है शायद, 7 1 7 बचा दो, हाँ 7 का जाएगा, 7 1 7 बचा दो, 7 3 21, अब 13 का जाएगा सीधा और ये एक बार जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 5 × 7 × 13। ठीक है भाई, ऊपर तो आया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, आपको अंश में क्या आए उससे कोई मतलब नहीं है, हर में क्या आता है वो मेन है, उस पर ध्यान रखना आप। तो अभी देखिए हर में क्या है, हर में 5 है, 5 की पावर 1 है, मतलब कि 5 की पावर n, हाँ तो वो तो है, तो भाई हर में 5 की पावर n के रूप में व्यक्त है, पर उसके साथ 7 और 13 और भी आ गए, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको अशांत कर देंगे। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि 64 अपॉन 455 में हर ऐसे लिखो, मैं हर 5 की पावर n के रूप में तो है, लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी है, जो कि संख्या 64 अपॉन 455 को अशांत बना देगी। ठीक है ना, अतः संख्या, जो भी संख्या दे रखी है, अशांत आवर्ती है। ठीक है भाई, जो मैं बोला हूँ वो समझना, आप लिखा हुआ तो अब आपको साइड राइटिंग में समझ में आती है नहीं आती है, तो भाई पेन से फटाफट में, व्हाइट बोर्ड भी बड़ा है तो मैं दूर से लिख रहा हूँ, हाथ लंबा करके तो थोड़ा राइटिंग खराब हो रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हर है, हर में आपको 5 और 2 के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा शब्द और दे रखे हैं, कचरा दे रखा है, 7 और 13 एक्स्ट्रा कचरा है, अगर वो आएगा तो ये संख्या अशांत और आवर्ती हो जाएगी, इसलिए ये संख्या शांत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, 5/16, ठीक है, ये प्रश्न हमारा चौथा है। तो अभी देखो यहाँ पर देखो, हम 5 तो अभाज्य संख्या हो गई, 5 के गुणनखंड हो गए नहीं, तो हम क्या करते हैं 1600 के गुणनखंड कर लेते हैं, 5 के तो हो गए नहीं, 1600 के कर देते हैं, तो 1600 के गुणनखंड कर दो भाई, 2 का भाग जाएगा सीधा जाएगा पूरा, कितनी बार जाएगा, ये 800 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 400 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 200 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, भाई बहुत लंबा हो जाएगा, तो 100 बार, फिर 2 का जाएगा 50 बार, फिर 2 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 32, 32 2 64, और फिर 64 × 25, 64 × 25, 25 चौके 100, 0 हासिल लगा 10,
25 चंग 150, 150 और 10 ये हो गया 160, ठीक है। तो 1600 हो गए, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो गुणनखंड क्या आया, गुणनखंड आया ऊपर था 5, नीचे था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4, 2 2 4 5 और 1 6 × 5 × 5। अभी देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अभी देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये कट गया इससे, ये 5 एक कट गया, तो ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। तो देखो ये किसके रूप में हो गया, ये इसके रूप में हो गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n दोनों गुणे गुणे में है। तो ये जो संख्या होगी ये शांत होगी, ठीक है ना। ध्यान से समझ लो, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, दोनों की घाते भी अलग अलग है, समान भी हो सकती है अलग अलग भी हो सकती है, पर दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा अतिरिक्त कोई भी कचरा नहीं है साथ में, 3 7 13 ये सब साथ में नहीं है ना, तो हम इसको शांत कह सकते हैं। और उसका भाग भी एक लिमिट तक जाएगा, फिर पूरा कट जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये हम सेकंड प्रश्न में करेंगे, फिलहाल तो सिर्फ कह रहे हैं ये शांत है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका आंसर भी निकालेंगे कि शांत है, और दशमलव के बाद कितनी संख्या आती है वो भी हम बताएंगे। दूसरा प्रश्न वही है, तो अब हम पांचवा प्रश्न करते हैं। ये तो समझ में आ गया, लिखना है क्योंकि 5/1600 में मतलब ऐसे लिख देना, हर हर जो है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है, अतः ये संख्या शांत होगी। बस इतना लिखना, कुछ नहीं प्रश्न लिखना है। प्रश्न में हर जो है, ये हर हो गया, हर इसके रूप में आ रहा है, वो जो हमने बताया ना इसके रूप में होना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए, तो शांत होगा और ये शांत है। अब प्रश्न 5वां कर लेते हैं, प्रश्न ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा फटाफट समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, सरल है, बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5वां प्रश्न है 29/343, ये तो देखने से पता चल गया नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर तो 7 है नहीं और नीचे 7 पक्का आ रहा है, तो 7 से भाग जाएगा नहीं, 7 बचा रहेगा। तो देख लेते हैं अब क्या होता है। देखो 29 अभाज्य, तो हाँ अभाज्य संख्या है, इसका भाग किसी में नहीं जाता है, तो 29 तो वैसे ही होगा, 343 का कर लेते हैं गुणनखंड, 343 इसके गुणनखंड हो गए, 3 का जाएगा नहीं सीधा 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 28 और 34 6 और 63, 7 चौक 28, 7 नम 63, 7 7 7, ये 1। तो क्या गुणनखंड हो गए इसके, 29/7×7×7, कैसे लिख सकते हैं, 29/7³ क्यूब, 7 क्यूब। तो दोस्तों देखिए यहां पर है ना, 2 नहीं आया 5 भी नहीं आया, तो क्या ये शांत होगी, ये अशांत आवर्ती होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये इसका मान आएगा, क्योंकि ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, उल्टा 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, 7 तो आना भी नहीं चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, तो 7 आ गया और वो भी 3 बार, तो ये टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली होगी। अब प्रश्न 6 कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ट्वेंटी थ्री अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है, ये प्रश्न है। अभी देखिए यहां पर आपको गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो ऑलरेडी गुणनखंड के रूप में ही प्रश्न दे दिया है, बहुत ही आसान हो गया, गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं है। आ देखिए हर क्या है, हर में 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, इसके अतिरिक्त कुछ है, इसको मैं आराम से लिखूं तो वापस कैसे लिख सकता हूँ, 23 के गुणनखंड नहीं हो गया, अभाज्य संख्या है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। तो ये देखिए ये 2 और 5 दोनों आ गए, m 2 की पावर m 5 की पावर n दोनों आ गए, गुणे का निशान 2 और 5 आ गए, तो भाग पूरा जाएगा, ये एक शांत संख्या है, ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको, बहुत ही आसान था ये प्रश्न। तो इसके बाद वाला प्रश्न करते हैं,
प्रश्न सातवां, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब देखिए भाई, अब क्या प्रश्न आया है देखिए ध्यान से। पहले तो है 129। 129 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 3 का भाग जाता है और भी जाता होगा, देखते क्या हुआ है। तो पहले 129 के गुणनखंड करते हैं, 129 भाग दे देते हैं 3 का, 2 का तो जाएगा नहीं। तो 3 चौक 12 और 3 3 9। अभी क्या करेंगे, 43 है। अब 43 में किसका भाग जाता है देखते हैं, किसी का नहीं जाता, 43 में किसी का नहीं जाएगा, 43 अभाज्य संख्या है। तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, 43 और ये 1। तो 43 के गुणनखंड हमने कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ी इंक खत्म हो गई थी तो वापस भर दी मैंने। तो अभी इसके गुणनखंड हो गए, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। इसके तो गुणनखंड दे रखे हैं, तो 3 × 43, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखो भाई, देखने से पता चल गया कि यहाँ पर 7 आ गया है और 7 नहीं आना चाहिए, 7 कट भी नहीं रहा, ठीक है ना। यहाँ पर 49 होता तो भी यहाँ 2 बार 7 कट जाता, लेकिन 3 बार 7 बचता, क्योंकि 7 7 बार आ रहा है तो कैसे काटे, नहीं कटेगा। तो 7 7 बार आ रहा है, ये 2 और 5 कितनी बार भी आ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना है। यहाँ पर 7 आ गया 5 बार, तो ये अशांत आवृत्ति होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली संख्या होगी, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न करते हैं, ये लिखना है साथ में, ठीक है ना, कि चूंकि इस संख्या के हर में 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आ रही है। पहला ऐसा लिखना, चूंकि इस संख्या के हर में, ऐसा लिखना, इस संख्या के हर में 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में है, लेकिन साथ में 7 की पावर 5 भी है, अतः ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली होगी। हिंदी में आप ऐसा लिख सकते हो, अशांत आवृत्ति, ठीक है। वैसे अशांत आवृत्ति ही लिखना, हिंदी में ही लिखना हमको। तो इसके बाद 7वां प्रश्न हो गया, 8वां प्रश्न करते हैं, साथ में नमा भी कर देते हैं, 6/15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नमा प्रश्न भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 35/50। और 10वां प्रश्न भी देख लेते हैं, वो तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, प्रश्न 77/210, 210। अब देखिए 6/15, 2 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 के अभाज्य गुणन हो गए 2 × 3, 15 के अभाज्य गुणन, हाँ 15 के गुणनखंड कितने हो गए, 15 के हो गए 3 × 5, ठीक है। क्यों कट रहे हैं तो काट दो ये, तो इसका क्या आया, 2/5। अब हर में क्या आया, 5, सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है। 2 आता तो भी चलता, 5 आता तो भी चलता और 2 × 5 आता तो भी चलता, तो सिर्फ 5 आया, 5 के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये एक शांत होगी, ये संख्या शांत होगी, ठीक है। अभी यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, 35 के कितने हो जाएंगे, 5 और 7 है 35, 7 × 5, और 50 के कितने हो जाएंगे, 2 × 5 × 5, क्योंकि 2 का देंगे तो 25 आएगा, फिर 25 का करेंगे तो 5 आएगा, तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50, ठीक है। और 5 और 7 = 35। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर आया है, 5 का पावर आया है, उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वैसे 1 5 यहाँ से कट गया, तो इसका क्या आया, इसका आया 7/2 × 5। इसके साथ में 2 × 5 तो आ सकता है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये संख्या एक शांत होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए ये शांत होगी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 77/210। अब ये इसके मैं गुणनखंड करूँ तो 11 7 77 होता है, तो 7 × 11/, इसका पहले 3 का भाग जाएगा, दे दे इसका कर लेते हैं, ठीक है, 210।
तीन, दो का जाएगा पहले, दो का जाएगा कितनी बार, ये तो एक बार गया, फिर 0, फिर 5, फिर दो का जाएगा, दो का नहीं जाएगा, तीन का जाएगा, ठीक है, तीन का 3 बार गया, एक बचा 5 बार गया, फिर 5 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा, फिर 1 का जाएगा, तो हर में क्या आ गया, 2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए ये 7 इस 7 से कट गया, तो बचा क्या, 11 / 2 × 3 × 5। तो ये दो दो तो चलता है, 5 भी चलता है, लेकिन 3 नहीं चलता है। तो 3 आ गया हर में, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली होगी, मतलब अशांत आवर्ती वाली संख्या होगी। तो ये पहला प्रश्न था जिसके 10 सवाल थे, बहुत ही शॉर्टकट में समझाए हैं, क्योंकि जो मेन चीज था वो मैंने आपको समझा दिया है, बस यहाँ पर लिखना जरूरी है, वो लिख देना, आपको मैंने बताया क्या लिखना है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, समझ में तो आ रहा है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, शायद समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो भाई यार लाइक तो करना यार, ठीक है। तो अभी हम दूसरा प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न यही है, तो इसमें देखते हैं पहले कितनी संख्या शांत वाली थी, पहले प्रश्न में जो संख्या शांत आई ना वो कितनी है, क्योंकि कुछ अशांत भी थी। दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले, मैं आपको दूसरा प्रश्न पढ़ आगे बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचारों को लिखिए जो शांत है, मतलब जो शांत थी उनके मान ज्ञात करने हैं, लेकिन वो विधि नहीं अपनानी है भाग देने वाली, ठीक है। तो एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप देखना समझना, आपको बड़ा ही मजा आएगा। पहले हम देख लेते हैं, देखिए पहला प्रश्न शांत, दूसरा प्रश्न शांत, तीसरा अशांत, चौथा शांत, पांचवा अशांत, छठा शांत और आठवां नवा भी शांत। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह प्रश्न ऐसे हैं जो शांत वाले थे, तो हम एक एक करके सबको कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, दूसरे का पहला वो है 13/31/25, ठीक है, 3125। अब देखो फ्रेंड्स, एक एक छोटी सी बात है, हम आपको है ना भाग देना सिखाते हैं, वो भी बिना भाग दिए, गुणा किए भाग कैसे देते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए ये एक संख्या है, इसके गुणनखंड भी हमने किए थे, क्या थे, 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, ये हमने कर दिए। अब मुझे एक गणित का एक नियम आपको पता ही होगा कि अगर मैं कोई संख्या है जैसे, ठीक है, अब आप इसका भाग दो कैसे दोगे, सीधी सी बात है, नीचे सिर्फ जीरो वाली संख्या है, तो क्या करेंगे, कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसी संख्या, 6 जीरो है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इनको हटा देंगे और 6 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1.024574 ये भाग चला गया, कितना, 1 सेकेंड लगा भाग देने में, ठीक है ना। तो ये नियम है कि अगर हर में सिर्फ और सिर्फ 10 या 10 की घात के रूप में कोई संख्या होती है, तो जीरो जितने होते हैं उनको हटा के ऊपर वाली अंश की संख्या में उतने ही जितने जीरो थे उतनी ही संख्या के आगे एक दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जो अभी प्रश्न किए थे वो 2 और 5 के ऊपर ही थे, ठीक है ना, किसके ऊपर थे, 2 और 5 के ऊपर, 2 था 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में था, या फिर 2 × 5, ठीक है ना, यही संख्या थी हमारी, इनको हम शांत बोले थे। तो जहां 2 होगा ना वहां पर हम 5 लेके आ जाएंगे, और जहां 5 था ना वहां हम 2 लेके आ जाएंगे, और दोनों को गुणा करा देंगे, जिससे कि 5 × 10 5 × 10 5 × 10 5 × 10 ऐसा बन जाएगा। समझाता हूँ मैं आपको, समझ नहीं आया होगा, देखिए ये हमारा प्रश्न था। अब यहां पर देखिए नीचे कितने 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, अब जितने 5 है उतने ही मैं 2 लेके आ जाऊं गुणे में, 5 मतलब 5 बार 2 लाना है, तो 2 की पावर 5। अब गणित का नियम है, किसी भी अंश में कोई संख्या गुणा करती है तो हर में भी गुणा करती है, हर में गुणा कराते हैं तो अंश में भी गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो है भार बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके साथ तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और अंश के साथ हम बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, अंश के साथ भी 5, 2 की पावर 5 का गुणा करवाना पड़ेगा,
दो की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 का गुणा करा रहे हैं। अभी देखिए, ये एक 2 है ना, इससे गुणा हो जाएगा, ये दूसरा 2 इससे गुणा हो जाएगा, ये तीसरा 2 इससे गुणा हो जाएगा, चौथा 2 इससे गुणा हो जाएगा, और लास्ट वाला जो 5 2 होगा वो इससे गुणा हो जाएगा। समझ में नहीं आया, मैं इसको खोल के बता देता हूँ, ठीक है। 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 बट्टे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। देखो काटा चाटी नहीं करनी है, काटने से तो वही मान आएगा, फिर हमने ये किया क्यों, ये एक्स्ट्रा क्यों लगाया, कुछ अलग बात थी इसलिए हमने लगाया, ये काटना मत, सॉरी ये 6 बार हो गया, 5 बार ही करना था क्योंकि हमने 5 बार 5 बार ही दो दो का ऊपर नीचे गुणा किया था। अब देखो क्या करना है, अभी इनका गुणा करवा देते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 × 13, 32 × 13, 13 दूना 26 का 6, 8 का 2, 13 × 39 सौ 41, 416, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, 416। अब नीचे देखो, अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब देखो ये 2 इस 2 के साथ गुणा होगा 5 के साथ, तो 5 दूनी 10 इंटू ये 2 इस 5 से गुणा होगा, तो 5 दूनी 10, ये 2 इस 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10, ये 2 इस 5 से गुणा होगा 5 दूनी 10, और ये 2 इससे गुणा होगा तो 5 दूनी 10। अब देखिए गुणा हमने सबका कर दिया, अभी नीचे कितना हो गया, अब इसका भी गुणा कर लेते हैं एक बार, 416 बटे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको पता ही होगा 10 × 10 × 10 जब करते हैं तो जितने 10 होते हैं, जीरो होते हैं, वो सब एक एक साथ एक के साथ आ जाते हैं, एक के साथ सारे जीरो आ गए, ठीक है। अभी क्या करना है, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे है तो ऊपर जाते टाइम मतलब भाग देंगे तो ऊपर 5 संख्या से पहले 1 दशमलव आ जाएगा, तो कैसे भाग जाएगा, संख्या 3 है तो आगे 0 लग जाएगा। अभी देखिए पॉइंट पीछे से स्टार्ट करते हैं, 6 1 4, अभी 3 आ गए, 2 संख्या और डाल देते हैं, 0 0, अभी 5 संख्या हो गई, 6 1 4 0 0, तो इसका भाग लगाने के बाद हमारा जो मान है वो ये आ गया, और हमें यही ज्ञात करना था 10 मतलब तक शांत संख्या का जो संख्या है, शांत संख्या 13/3125, उसका जो मान है वो ये आ गया, 10 मतलब में कहाँ तक गया वो मान हमने ज्ञात कर दिया। दूसरा प्रश्न कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा और थोड़ी धूप भी आ रही है, एक तो लाइट नहीं है और थोड़ी धूप आ रही है, तो भाई एडजस्ट कर लेना। दूसरा प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न जो है वो है 17/8, ठीक है ना। मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। 17/8, अब सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लीजिए, 17/2 इंटू 2 इंटू 2, हमें पता है अभी हमने अभी किए थे इसके गुणनखंड, कैसे किया आपको पता ही है, ऐसे 8 किया, फिर 2 2 2 4 2, 1 2 × 2 × 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब जितने 2 है उतने 5 लाने हैं, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में जितने 2 है उतने 5 लेके आ जाएंगे, अंश में और हर में 5 की घात 3 का गुणा व भाग करने पर, लिख देना ये लाइन, ठीक है। तो एक 5 इसको 2 को 10 कर लेगा, ये एक 5 जब इस 2 से गुणा होगा तो 10 कर लेगा, और ये तीसरा 5 इस 2 से गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 125, 17 × 125 बराबर हो गया, नहीं बराबर नहीं, पहले ये कर लेते हैं, ये तो 3 जीरो हो गए, 1 2 3, ठीक है। 10 × 10 × 10 1000 हो गया, अभी 125 × 17 करना है, 125 × 17, ठीक है, तो कर लो भाई,
ये जीरो लगा दिया। सातों पंजे 35 का 5 हंसी लगा 3, सात दूनी 14, 14 तीन 17, 17 पाँच 22 का 2 हंसी लगा 1, और फिर 7 एकम 7 और 1 8, और 8 और 2 10, ठीक है 10, एक सेकेंड, और 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 17, 17 और 5 22 का 2 हंसी लगा 2, हंसी लगा 2, फिर 5 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हंसी लगा 1, फिर 1 और 1 2, सही है। तो 21 25 होगा भाई, 21 25 बटे 1000, 3 जीरो है तो 3 संख्या के पहले एक दशमलव, 1 2 3, 3 के पहले एक दशमलव, तो मान हो जाएगा 2.125, ठीक है ना, ये अपना मान हो जाएगा। समझ में आएगा, आ गया होगा आपको। अब तीसरा प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न है 15/1600, ठीक है गुणनखंड कर लेते हैं उसके, ये तो हो गया 3 × 5, और 1600 के गुणनखंड हमने किए थे, 2 तो आया था 6 बार और 5 आया था 2 बार, मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा, वरना आप कर लेते कर लो यहाँ इधर 1600, बहुत लंबा हो जाएगा ये, 2 2 2 2 ऐसा चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले ये होगा 800, फिर ये होगा 400, फिर ये होगा 200, फिर ये 200 होगा 100, फिर 200 होगा 50, फिर ये 200 होगा 25, फिर 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है 25, 5 का 5 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है, तो 2 की घात तो आगे 6 इंटू 5 की घात आगे 2, ठीक है। अभी हम एक बार इसको खोल के रख देते हैं, लिख देते सही ढंग से, ये हो गया 3 × 5, और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5, ये 1 5 से 1 5 तो चला गया, ठीक है भाई। अभी क्या करना है, जितने नीचे 2 बचे हैं उतने 5 लगाने हैं, ये 1 5 है ना, इस 2 को 10 में बदल देगा, पर जो बाकी के 1 2 3 4 5 जो 2 बचे हैं उनको 5 से 10 करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 की घात 5 का गुणा और भाग कराएंगे, ठीक है ना, तो 3 × 5 की घात 5 बार, और ये 2 की घात 5 बार है ना, 2 की घात 5 बार इंटू, सॉरी ये तो 6 बार था, ये तो 6 बार था, और ये 5 है, और बाकी का 5 की घात 5 बार हमने गुणा भाग करवा दिया, ये आ गया। अभी देखो ये दोनों मिलके 6 हो गए और ये भी 6 है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका तो मान आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे ये तो। अब ये 5 की घात 5 हमने किया था पहला प्रश्न में, 31 25 था, उसको 3 से गुणा किया, 5 की घात 5 का मान 31 25 होता है, 5 3 15 80 लगा, 1 2 6 और 1 7 3 और 9 9375, ठीक है, तो भाग लगा दो, 1 2 3 4 5 6 बार 0, 6 संख्या के बाद पहले 0 आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट दिख रहा है, हाँ 0 0 और 4 संख्या आ जाएगी 9375, ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, बहुत आसान है, फास्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है, तेबीस बटा 2 की घात 2 5 की घात 2। अभी देखिए 2 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, तो इसमें किसी भी संख्या का गुणा और भाग करवाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जितने 2 होते हैं उतने 5 लाने होते हैं, पर यहाँ पर दोनों बराबर है, तो सीधा इसमें किसी भी संख्या का गुणा कराने की जरूरत नहीं है। ये 23 हो गया, ये 2 × 2 × 5 × 5 हो गया, ये 2 इसको 10 करवा देगा, ये 2 इस 5 को गुणा करवा के 10 करवा देगा,
तो क्या हो जाएगा, 23 इंटू ये 10 इंटू 10 100 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.23। दो संख्या के पहले 0, 1, 2, ये संख्या 0 आ गया, आगे 0 लग जाएगा, तो 0.23 इसका उत्तर आ गया। भाई टेंथ के स्टूडेंट तो नॉर्मल भाग देना तो आता ही होगा, मैं बस वही कर रहा हूँ। हो गया, इसका आंसर आ गया 0.23। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है 6/15, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, हमने किए थे 2 × 3 = 6 और 5 × 3 = 15, ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2/5। अब ये एक शांत संख्या है, अब है इसका क्या करना है, 5 को 0 में मतलब 10 में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे, लिख देना ऐसा 2 का गुणा और 2 का भाग अंश और हर में करने पर, तो इससे 5 और 2 क्या हो जाएगा 10, ऊपर क्या हो जाएगा 4, 2 × 4, तो 4/10 आंसर क्या आ जाएगा 0.4, ऐसे लिख देता हूँ मैं 0.4, ये अपना आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको, भाई कुछ नहीं है, बस बहुत नॉर्मल है इसलिए मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या समझाए, बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि आपको समझ, अगर समझ में नहीं आया तो भी कैसे आया इसका उत्तर वो मैं आपको बस ऐसे समझा रहा हूँ। वैसे ये सारे सबको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी है। लास्ट प्रश्न है 35/50। अभी देखिए इसके भी गुणनखंड कर दीजिए, 7 × 5 = 35 और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 5 × 5। अभी देखिए ये 5 इस 5 से कट गया, ठीक है। अभी ये 2 × 5 = 10 हो गया। अब इसमें किसी भी संख्या का गुणा भाग कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने 2 है उतने 5 भी है, तो 7 ऊपर बचा नीचे 10 बचा, आंसर आ गया 0.7। ये अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट। तीसरा प्रश्न जो है वो भाई मैं पहले थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ तीसरा प्रश्न है क्या। तीसरा प्रश्न कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, 3 प्रश्न दे रखे हैं आपको, ठीक है, दशमलव में दे रखे हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको ये बताना है ये संख्या परिमेय है या नहीं और क्यों है, अगर परिमेय है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और जो परिमेय संख्या आपको नीचे दे रखी है उसको P/Q के रूप में निरूपित करना है और क्यू अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब क्यू का मान भी ज्ञात करना है। और सबसे पहले तो हमें देख लेंगे, मैं पहले प्रश्न उतार देता हूँ, लीजिए ये 3 प्रश्न हमें दे रखे हैं, इनमें देखिए हमें ये ज्ञात करना है कि ये वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या उनको बोलते हैं कि जो परिमेय और अपरिमेय, जो परिमेय संख्या होगी उसको वास्तविक संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या होगी उसको भी वास्तविक संख्या बोलते हैं, दोनों का कॉम्बो होता है भाई, ठीक है ना। तो हमें तो ये बताना है कि वास्तविक संख्या, ये जो वास्तविक संख्या दे रखी है इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या वो होती है जो टर्मिनेटेड हो, ठीक है ना, और जैसे शांत हो या फिर अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, मतलब रिपीटिंग हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है वो देखिए यहाँ तक चला, पॉइंटों के बाद में यहाँ तक चला और खत्म हो गया, यहाँ पर पूरा भाग चला गया, तो भाग पूरा चला जाता है तो शांत बोलते उसको, तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया ना। भाई सीधी सी बात है, भाग दिया 1, 2, 3, 4 भाग, पॉइंटों के बाद में थोड़े से आगे गए तो भाग पूरा चला गया, जब भाग पूरा चला गया तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या परिमेय है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि दूसरा प्रश्न जो है देखिए 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 0 आ गया, उसके बाद 1, 2, 0, 0, 0, मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, संख्या कुछ ना कुछ आ रही है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या उसी को बोलते हैं ना क्या, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है, तो जो शांत भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए इसमें क्या है ना, ये शांत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, ये आगे चल रही है, और रिपीट कौन सी हो रही है, 9 के बाद वापस आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9 के बाद वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो जोड़ा आ रहा है ये दशमलव के बाद में ये जोड़ा वापस रिपीट होता जा रहा है, बार का मतलब आप समझते हो जैसे 43.24 बार,
तो इसका मतलब हो गया 43.24242424242424 डॉट 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 चलता जा रहा है, मतलब चल तो जा रहा है, ये अशांत है पर आवर्ती है इसमें, ठीक है ना, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 4 रिपीट, 2 4 रिपीट, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अभी इतना तो पूरा पढ़ा दिया, या परिमेय संख्या की परिभाषा से ही आपको पता चल रहा है कि ये परिमेय है। तो अभी देखिए क्यू का मान ज्ञात करना है, अभी क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दोगे तो जितने जीरो जितनी संख्या आएगी, ठीक है ना, क्यू क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्यू होता क्या है। देखो परिमेय संख्या में हम क्या बोलते हैं, पी अपॉन क्यू बोलते हैं। आपको क्यू ज्ञात करना मतलब हर ज्ञात करना है, और हर कैसे ज्ञात करोगे, इस संख्या का दशमलव हटा देंगे, हटा दे तो कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो ये आ गया इसका हर। और क्या ज्ञात करना है, दशमलव हटा के जीरो लगा दो हर आ गया, इसका हर नहीं निकलेगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है ही नहीं। इसका पर अब देखो इसका हर कैसे निकलेगा, ये तो भाई एक गणित का नियम है, एक रूल है, वो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल है वो, पर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। देखो एक संख्या होती है, रिपीट हो रहा है, रिपीट ज़्यादातर तीन तीन के गुणज में ही रिपीट होता है। जैसे मैं कर दूँ 10/9, देखो 9 भी 3 का गुणज है ना, तो 9 का 10/9 क्या क्या मान आएगा, 1.11111, तो दशमलव के बाद में कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, एक 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 एक, एक संख्या है जिसका मान एक है वो रिपीट होता जा रहा है। यदि मैं इसको 100/99 कर दूं तो क्या होगा, देखो 99 एकम 99 बचा एक, उतारा जीरो, ठीक है 10 हो गया, नहीं गया जीरो, फिर 100 हो गया 1, फिर 0 1 0 1 0 1, तो जब 99 99 किया तो दशमलव के बाद में दो संख्या बराबर आ रही है, बार कर दिया मैंने इसका, ठीक है इसमें एक का बार कर दिया, इसमें एक का बार कर दिया। अब जब मैं 3 0 लूँ और 999 ले लूँ तो इसका मान क्या आएगा, 1. पहले 0 0 1 0 0 1 0 0 1, तो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, 0 0 1 का बार। तो जितने 9 होंगे उतने ही संख्या दशमलव के बाद में संख्या रिपीट होगी। यहाँ पर दशमलव के बाद में संख्या कितनी रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दशमलव के बाद में 9 संख्या आने के बाद वापस रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्यू का मान क्या हो सकता है, तो क्यू का मान 9 9 9 9 9 9 आ जाएगा, मतलब देखे तो 21 22 सैकड़ा 1000 10000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999, ये क्यू का मान आएगा। भाई छोटा सा नियम है गणित का, ठीक है ना, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा समझाया जाए, पर आप ध्यान रखना इस प्रश्न को इतना सा रट लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो भूलने लायक होती है, जो भूलने लायक होती है वही परीक्षा में इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको देख लेना। ये इसका क्यू का मान 9999999 9 बार आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, हम आपको आराम से कमेंट में ही समझा देंगे, वरना वापस एक नया वीडियो बना के समझा देंगे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना और बने रहना। थैंक यू।